खाते समा योजनाएं एवं अंतिम खाते के बारे में बताएंगे। और इसके पहले आपने चैप्टर पढ़ा होगा अंतिम खाते, और उस चैप्टर में आपने पहले को न्यूमेरिकल लगाए होंगे, क्वेश्चन पे सॉल्व किया होगा। तो पहले उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, पीएल बनता है और बैलेंस शीट, मतलब व्यापार खाता लाभांश खाता दोनों एक साथ बनते हैं। फिर आपका आर्थिक चिट्ठा बनता है। और आप इस चक्कर में, चक्कर नाम है समायोजन एवं अंतिम खाते, इस चक्कर में कि आप क्या सीखेंगे, जो आपने अंतिम खाते के क्वेश्चन लगाए हैं वो आपको इस चैप्टर में मिलेंगे समायोजन एवं अंतिम खाते में। और उस चैप्टर में क्या था कि सारे सवाल तलपट में लिखे रहते थे, सारी एंट्रियां तलपट द्वारा ही हम लोग उतारते थे, और नीचे हम समायोजन में कुछ नहीं था। उन इसके पहले चैप्टर में समायोजन नहीं थी, और इस चैप्टर में आपको तलपट के साथ साथ समायोजन दी समायोजनाएं दी होंगी जो आपको क्वेश्चन के साथ ऐड करके करनी है। समायोजन में क्या होगा, आपका अंतिम हथियार नीचे ही रहता है समायोजन में, आप समायोजन में लिख देंगे। इसके पहले चैप्टर में भी क्या था कि अंतिम खाते तलपट के बाहर लिखे जाते थे, और अब क्या होगा अंतिम खाते लिखा होगा समायोजन में अंतिम खाते का जो इतना, दूसरा लिखा होगा अदत्त इतना। अदत्त कैसे होता है आपको बताते हैं, अदत्त और पूजत क्या है पहले समझिएगा, चैप्टर को ही लगाइएगा। अदत्त और पूजत क्या होते हैं, मान लीजिए ऊपर लिखा है मजदूरी, इसमें तलपट में 5,000 की लिखी है, ये आपका तलपट मान लीजिए बना है। तो समायोजन में लिखा है मजदूरी पर 500 रुपए अतत्त है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 500 को अतत्त है तो इसमें मजदूरी में जोड़कर तब लिखेंगे। अगर यही क्वेश्चन में लिखा होगा पूर्दत्त है, मजदूरी पर 500 रुपए पूर्दत्त है, तो अब क्या करेंगे, इस 500 रुपए को आपस में पहले एक दूसरे में घटा देंगे, क्योंकि ये पूर्दत्त है, अतत्त होता तो जोड़ते, यह समझिएगा। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, जब बैलेंस शीट लगाएंगे तो लायबिलिटीज और एसेट्स में अगर अदत्त होगा तो ये 500 रुपए सीधा यहाँ दिखा देंगे, अगर पूर्दत्त होगा तो 500 रुपए आपको एसेट्स में दिखा देंगे। प्रिपेयर इधर आता है और स्टैंडिंग इधर आती है। और यदि मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि भवन का 10% निकालना है, मान लीजिए तलपट में भवन लिखा है 15,000 का, और नीचे लिखा है भवन पर 10% ह्रास कीजिए, ह्रास कीजिए, तो आप क्या करेंगे, भवन का पहले 10% निकालेंगे। मान लीजिए इसका भवन का 10% निकाला, कितना आया 1500 रुपए, 1500 को हम क्या करेंगे पीएल के डेबिट में दिखा देंगे। अभी तक हम लोग क्या करते थे, भवन मशीन फर्नीचर का प्रयोग केवल बैलेंस शीट में करते थे। अब क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंतर्गत में अगर संपत्तियों पर ह्रास दिया है, यदि संपत्तियों का ह्रास दिया है तो संपत्तियों का ह्रास निकालकर, संपत्तियों का ह्रास निकालकर पीएल के डेबिट में रखेंगे, और बैलेंस शीट में जाकर उस ह्रास को घटाएंगे। जैसे बैलेंस शीट अब लगाएंगे, मान लीजिए बैलेंस शीट लगा रहे हैं तो भवन हमारा कहा जाता है, आप लोग बताएंगे असेट्स में, कहा जाता है असेट्स में, तो 15,000 का 10% निकालेंगे तो 1500 आया,
समायोजन के चैप्टर में बस इतना ही अंतर है कि आपको इसमें समायोजनाओं के लेखों का विशेष ध्यान देना है कि कौन सा लेखा करना है, किस पे अदत्त है, किस पे उदत्त है, किसको जोड़ना है, किसको घटाना है, अदत्त कहाँ जाते हैं, उदत्त को क्या करते हैं। अभी आपको हमने बताया है अदत्त उसके साथ जोड़ देते हैं जिसके साथ लिखा होता है कि ये अमाउंट अदत्त है, उदत्त क्या करते हैं उसके साथ माइनस कर देते हैं, और अगर संपत्तियों पे ह्रास है तो आप ह्रास निकाल कर ह्रास वाली अमाउंट को पीएल के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे, ह्रास वाली अमाउंट को पीएल के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे, और जब बैलेंस शीट लगाएंगे तो टोटल अमाउंट से उसको माइनस करकर जहां पर वो अमाउंट जाती है, जहां पर वो एंट्री जाती है वहां पर दिखाएंगे। और इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना है, इतनी बातों का विशेष ध्यान रखना है कि अदत्त क्या है, उदत्त क्या है, किन संपत्तियों पर ह्रास लगाना है, या ह्रास नहीं दिया होगा तो आप पीएल में संपत्ति की अमाउंट का प्रयोग नहीं करेंगे, कि जैसे आप बैलेंस शीट लगाते हैं वैसे लगाएंगे। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान लीजिए चैप्टर में भवन लिखा है 15,000, यहाँ लिखा है 10%, उसके नीचे लिख दिया मशीन 20,000, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, जब पीएल लगाएंगे तो केवल भवन का 1500 निकाल के पीएल के डेबिट में रखेंगे, मशीन की अमाउंट का प्रयोग पीएल में नहीं करेंगे। इस मशीन का प्रयोग आप सीधा जहां करते हैं पीएस में बैलेंस शीट में प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट 20,000 जाएगा और इसमें ये घटकर जाएगा। इतना अंतर है इस चैप्टर में समायोजन के अंतर्गत। अब आपको इस चैप्टर में कुछ चीजें बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पूछता है पहला तिलक जो इसका हो जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन में आता है समायोजन किसे कहते हैं, समायोजन किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे इस प्रकार के ऐसे व्यवहार, इस प्रकार के ऐसे व्यवहार जो पुस्तकों में लिखे नहीं लिखे गए हैं उन्हें लिखना, इस प्रकार के ऐसे व्यवहार जो पुस्तकों में नहीं लिखे गए हैं उन्हें लिखना, अपूर्ण व्यवहारों को पूर्ण करना। अपूर्ण व्यवहार जैसे कि हमने आपको बताया था नीचे होगा और ऊपर होगी, अपूर्ण व्यवहारों को पूर्ण करना तथा अशुद्ध व्यवहारों को संशोधित करना तथा लेखा अवधि में असंबद्ध व्यवहारों को पृथक करना और असंबद्ध व्यवहारों को पृथक करना समायोजन कहलाता है। और समायोजन व्यापारी के अवधि के अंत में, जैसे आप धारणा समझ लीजिए व्यापारी के, जैसे क्वेश्चन आता है समायोजन से क्या आशय है, समायोजनाओं से क्या आशय है, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन में क्वेश्चन आया समायोजनाओं से क्या आशय है, तो लिखेंगे व्यापारी के अवधि के अंत में, व्यापारी अवधि के अंत में व्यापारी अपने खाते बंद करता है तथा अंतिम खाते तैयार करता है जिससे वो ज्ञात कर सके कि व्यापारी का वर्ग से लाभ हुआ है या हानि तथा उस दिन की आर्थिक स्थिति क्या है, सही शुद्ध लाभ या सही आर्थिक स्थिति वो तभी ज्ञात कर सकता है जब उसे लेखा के अवध के संबंध में अन्य व्यवहारों का लेखा उचित हो। और अगर जैसा अगला टॉपिक में आता है आपका पूर्वदत्त व्यय क्या होते हैं, तो आप एक अति लघु में लिखेंगे, मान लीजिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपको समझ में आता है, दूसरा मान लीजिए लिखते हैं पूर्वदत्त व्यय किसे कहते हैं, पूर्वदत्त व्यय किसे कहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके पहले कामों कॉलों ने नाइन से पढ़ा है पूर्वदत्त व्यय किसे कहते हैं, ऐसे वे जिसकी अभी सेवाएं प्राप्त नहीं हुई हैं, जिसकी अभी सेवाएं प्राप्त नहीं हुई हैं लेकिन भुगतान अग्रिम कर दिया गया है, मतलब किसी को एडवांस दे दिया गया है, ऐसे वे जिनकी अभी सेवाएं प्राप्त नहीं की गई है
की अभी सेवाएं प्राप्त नहीं की गई है, लेकिन भुगतान अग्रिम कर दिया गया है। ऐसे ऐसे व्यय को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वत व्यय कहते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब आप बताइए, अब आपको अगला क्वेश्चन लिखेंगे इसी में। अर्जित अथवा उपार्जित आय क्या है? दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा अर्जित अथवा उपार्जित आय क्या है। तो अब आंसर में क्या लिखेंगे? अर्जित अथवा उपार्जित आय क्या है? तो आप लिखेंगे ऐसी आय जो अंतिम खाते बनाते समय, ऐसी आय जो अंतिम खाते बनाते समय अर्जित तो कर ली गई है, अर्जित तो कर ली गई है मतलब प्राप्त कर ली गई है, लेकिन जिसका भुगतान अभी प्राप्त नहीं हुआ है। वो उपार्जित आय कहलाती है। जैसे उपार्जित आय कहलाती है, अंतर क्या लिखेंगे? अंतिम ऐसी आय जो अंतिम खाते बनाते समय अर्जित तो कर ली गई है, लेकिन जिसका भुगतान अभी प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे आय को हम उपार्जित आय कहते हैं। जैसे में लिखेगा, जैसे विनियोगों पर अर्जित ब्याज, प्राप्त कमीशन आदि। जैसे में लिखेंगे विनियोगों पर अर्जित ब्याज, प्राप्त कमीशन आदि। यह आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, अर्जित अथवा उपार्जित आय क्या है। आपको हमने इसके पहले क्वेश्चन बताया था ऊर्ध्वत व्यय किसे कहते हैं। आप अगला क्वेश्चन लिखेंगे अदत्त व्यय क्या है। अदत्त व्यय किसे कहते हैं? अदत्त व्यय किसे कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे अदत्त व्यय किसे कहते हैं। आप आंसर में लिखेंगे अदत्त व्यय किसे कहते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था जिनका भुगतान क्या होता है? मिलता ही नहीं, बाद में मिलता है। आप उदत्त क्या होते हैं? जिनका भुगतान हमें अग्रिम प्राप्त हो जाता है। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? व्यापार के वे व्यय। अंतर लिखेंगे व्यापार के वे व्यय जिनकी सेवाएं तो प्राप्त कर ली गई हैं, जिनकी सेवाएं तो प्राप्त कर ली गई हैं, परंतु अभी चुकाए नहीं गए, ऐसे व्यय को हम अदत्त व्यय कहते हैं। परंतु अभी चुकाए नहीं गए ऐसे व्यय को हम क्या कहते हैं? अदत्त व्यय कहते हैं। अंतर लिखेंगे व्यापार के वे, अंतर में होगा व्यापार के वे जिनकी सेवाएं तो प्राप्त कर ली गई हैं, परंतु अभी चुकाए नहीं गए हैं, ऐसे व्यय को हम अदत्त व्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए वेतन 4000 रुपये देना शेष है, वेतन 4000 रुपये देना शेष है, वो अदत्त व्यय को व्यापार एवं लाभांश खाते के ऋणी पक्ष में जोड़ कर दिखाते हैं। अभी हमने आपको बताया था मान लीजिए ऊपर वेतन लिखा 6000 और नीचे लिखा वेतन, मान लीजिए 500 रुपये बकाया लिखा है, 600 रुपये बकाया लिखा, तो वेतन मुझे मिल गया लेकिन अभी ये बाकी है, मुझे मिला नहीं, ये हमारा अदत्त के रूप में हो जाएगा। और अगर मिल गया होता एडवांस तो यह हमें हो जाता ऊर्ध्वत के रूप में हो जाता। आपको अदत्त को हम क्या करते हैं? अदत्त को हम इसमें प्लस कर देते हैं और ऊर्ध्वत को इसी अमाउंट में हम माइनस कर देंगे। अगर अदत्त के अकॉर्डिंग अमाउंट देखेंगे तो हमारी आ जाएगी 6600, क्योंकि अदत्त है दोनों को जोड़ कर दिखा दिए। अगर ऊर्ध्वत हो गया तो हम इसको ऊर्ध्वत को माइनस करके दिखाएंगे 74 रुपये। तो आपके 3 क्वेश्चन हो गए अदत्त व्यय, ऊर्ध्वत व्यय और उपार्जित और उपार्जित आय। अब आप अगला देखिएगा
आपका आता है अंतिम रहतिया किसे कहते हैं, तो नॉर्मल चीज समझ लीजिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन आता अंतिम रहतिया किसे कहते हैं, ये सब नाइन्थ में पढ़े हैं आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, अंतिम रहतिया किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में जो माल बच जाता है उसे अंतिम रहतिया कहते हैं, वर्ष के अंत में जो माल बिकने से बच जाता है उसे हम अंतिम रहतिया कहते हैं, ये अंतिम रहतिया हो जाएगा। ये आपके चार हो गए, इसी में आपको जैसे क्वेश्चन आता है ह्रास क्या है, आपको वाले क्वेश्चन आता है ह्रास क्या है, तो हम हमने आपको बताया था यदि भवन का 10% निकाला तो जो 1.5% निकालना वो ह्रास कहलाता है, भवन की अमाउंट से जो हम परसेंटेज निकालते हैं उस परसेंटेज को हम ह्रास कहते हैं। प्रत्येक व्यापारी का कुछ न कुछ स्थायी संपत्तियां होती हैं, जैसे भवन है, मशीन है, फर्नीचर है, यंत्र है, हर एक व्यापारी के पास क्या होती है स्थायी संपत्तियां होती हैं, उन संपत्तियों पर स्थायी संपत्तियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे वो भवन, मशीन, फर्नीचर, ये सब क्या है स्थायी संपत्तियां है, तो क्या कहते हैं इनका जो हम भवन है, मशीन है, फर्नीचर है, यंत्र है, इनमें हम क्या करते हैं, इनमें हम जो ह्रास निकालते हैं, डेप निकालते हैं, परसेंटेज दिया होता है, उसकी जो अमाउंट आती है उस अमाउंट को हम ह्रास के रूप में जानते हैं, ये ह्रास हो गया। आरोहण का ब्याज क्या होता है, आरोहण के ब्याज, आरोहण क्वेश्चन आता है आरोहण के ब्याज क्या कहे किसे कहते हैं, आरोहण का ब्याज किसे कहते हैं, तो आप अंतर रखेंगे जब व्यवसायी अपने निजी प्रयोग के लिए, ये तो आपको निर्णय मिलता है था, जो निजी प्रयोग के लिए निकालते हैं वो आरम होता है, तो वही चीज यहाँ पर है, जब व्यवसायी अपने निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से कोई राश निकालता है, व्यवसाय से कोई राश निकालता है तो उसे आहरण कहा जाता है, यदि इस आहरण पर ब्याज की कोई राश देय होती है तो आहरण का ब्याज और आरंभ का जो ब्याज होता है, आरंभ का जो ब्याज होता है वो हम लाभांश के धनी पक्ष में दिखाते हैं और चिट्ठे पक्ष में क्या करते हैं, पहले पीएल में क्या करते हैं धनी पक्ष में और चिट्ठे में पूंजी से घटा देते हैं। और अगला मान लीजिए अपार्जित आय क्या है, पूंजी का ब्याज क्या है, तो पूंजी के ब्याज क्या है पूंजी से जोड़ते हैं, और अगर आप पूछे ना पूंजी का ब्याज किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे पूंजी पर ब्याज जो है व्यापार स्वामी, व्यापार के स्वामी व्यापार में पूंजी लगाता है तो इसके बदले अपने द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज चाहता है, तो ये ब्याज व्यापारी के लिए क्या होती है आय, पूंजी पर ब्याज चाहता है तो ये ब्याज व्यापारी की क्या हो जाएगी आय कहलाएगी। और इसके पहले आपने पढ़ा होगा अंपार्जित आय या अग्रिम प्राप्त आय किसे कहते हैं, अंपार्जित आय या अग्रिम प्राप्त आय किसे कहते हैं, पहले तो मान लीजिए पांचों क्वेश्चन लिखना चाहते हैं कि पूंजी पर ब्याज, पहले अपने पांचों क्वेश्चन लिखेंगे अंपार्जित आय तथा अग्रिम प्राप्त आय क्या है, अनुपार्जित आय तथा अग्रिम प्राप्त आय से क्या आता है, जैसे किसे कहते हैं तो आप इसका आंसर लिखेंगे ऐसी आय जो अभी कमाई नहीं है, आय जो अभी कमाई नहीं है लेकिन प्राप्त पहले ही कर ली है, ऐसी आय जो अभी कमाई नहीं है लेकिन प्राप्त पहले कर ली है उस ऐसी आय को हम अंतर्जित आय कहते हैं, जैसे अग्रिम प्राप्त कमीशन, जैसे क्या होगा अग्रिम प्राप्त कमीशन, अब आप देखिएगा
पूंजी का ब्याज क्या है, तब लिखेंगे व्यापार के स्वामी, व्यापार का स्वामी व्यापार में पूंजी लगाता है तो वह इसके बदले अपने द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज चाहता है। ये ब्याज व्यापारी की क्या होती है, आय होती है, और इसे क्या कहते हैं, पूंजी में ब्याज लाभांश खाते के ऋणी पक्ष में लिखते हैं, लाभांश खाते के ऋणी पक्ष में लिखते हैं और बैलेंस शीट में कैपिटल से जोड़कर दिखाते हैं। पूंजी के बाद पूंजी के ब्याज को कहाँ दिखाते हैं, लाभांश के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 15,000 रुपए है, 15,000 के 10% पूंजी का ब्याज है, कैपिटल कितनी है 15,000, तो 15,000 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा 15, तो और इसे हम पूंजी ब्याज को लाभांश खाते में ऋणी पक्ष में दिखाते हैं, किधर ऋणी पक्ष और बैलेंस शीट में किधर दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष में पूंजी से जोड़कर दिखाते हैं। यहाँ तक आपका हो गया, और आप लोग ये जो हमने आपको अति लघु बताया है ये करिएगा, और इसके पहले जो न्यूमेरिकल्स आपको हमने बताए थे वीडियो में वो न्यूमेरिकल्स करिएगा, और उसके बाद इस न्यूमेरिकल्स में हमने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि न्यूमेरिकल में कुछ नहीं करना है, केवल आपको समायोजन के विषयों पर ध्यान देना है। अद्वित्य क्या है, किसके साथ प्लस करना है, औद्वित्य क्या है, किसके साथ माइनस करना है, बस इन विषयों पर ध्यान देना है। यदि तर्पण के अंदर अंतिम बातें लिखा है, यदि तर्पण के अंदर आप अंतिम बातें लिखे हैं तो उसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे, और यदि यदि पूंजी का ब्याज तर्पण के अंदर दिया हो, यदि पूंजी का ब्याज जैसे अभी आपने आपको बताया था कि 15,000 का प्रश्न निकाला, तो इसको हमने कहाँ दिखाया, पीएल के डेबिट पक्ष में और बैलेंस शीट में लायबिलिटी पक्ष में पूंजी से जोड़कर दिखाया। यही है पूंजी का ब्याज आपका तर्पण में दिया हो, तर्पण में जो क्वेश्चन लगाते हैं उस पर दिया हो, तर्पण के अंदर दिया हो तो हम क्या, यदि तर्पण में दिया है पूंजी का ब्याज अंदर दी गई है तो इसे केवल लाभ और खाते के ऋणी पक्ष में दिखाया जाएगा। अगर पूंजी का ब्याज यहाँ दिया गया है, कहीं भी दिया है, तर्पण के अंदर दिया गया है तो इसे केवल हम पीएल में मतलब लाभ और खाते में ऋणी पक्ष में दिखाएंगे, इसको हम जोड़कर नहीं दिखाएंगे, कहाँ बैलेंस शीट में। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया, आपको ये तीन अलग क्वेश्चन ने बता दिए, अब क्वेश्चन आपको बैक कर क्वेश्चन करने हैं, ये हो गया थी, और इससे जुड़े हुए आपको नेक्स्ट वीडियो में जैसे बताते हैं कि कुछ और लघु लघु के बारे में बता देंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन लगवाए थे उसी का टेंशन लगाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आता है कि व्यापारिक वर्ष की समाप्ति का समायोजन कौन कौन किए जाते हैं, व्यापारिक वर्ष की समाप्ति का कौन कौन से समायोजन किए जाते हैं, प्रमुख समायोजन तो जैसे अंतिम व्यातिया होता, आदत्य व्यय होता, पूर्णत्व व्यय होते, और आरोप का ब्याज होता, पूंजी में ब्याज होता, ऋण का ब्याज होता, ह्रास होता, ये क्या होते हैं प्रमुख समायोजनाएं होती हैं, किसके व्यापारिक वर्ष के समाप्त वही अभी आपको समायोजन जो समझा रहे थे वही समायोजन है। ये पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं, अगर प्रमुख समायोजना में आए व्यापारिक की तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, आदत्य व्यय पूर्णत्व व्यय ये सब क्या हो जाएंगे पॉइंट में आ जाएंगे। अंतिम व्यक्ति हमने बता ही दिया है, और प्रारंभिक रातिया भी क्या होता है, आदत्य व्यय पूर्णत्व व्यय उपार्जित आय अनुपार्जित आय, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। इसी से अशोध ऋण क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको बताते हैं क्वेश्चन आता अशोध ऋण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन को हम लघु में करा देंगे, अब ऐसे बेसिक समझ लीजिएगा। अशोध ऋण जैसे मान लीजिए आता है तो आप लिखेंगे वे ऋण जिनका भुगतान देनदार की मृत्यु, वे ऋण जिनका भुगतान देनदार की मृत्यु हो जाने
या उसके दिवालिया हो जाने पर या स्थान छोड़कर अन्य जगह पर चले जाने पर या बेमान हो जाने पर या अन्य किसी कारण से जिससे हमको मालूम हो कि ये ऋण हमें वसूल नहीं हो सकते हैं, मतलब ये अमाउंट हमें प्राप्त नहीं सकती है, तो आशा नहीं रहती कि अमाउंट हमें मिलेगी, ऐसे इसे हम अशोध ऋण या प्राप्त ऋण या भूपत ऋण कहते हैं। कौन कौन से नाम से जानते हैं? अशोध ऋण अप्राप्त ऋण या भूपत ऋण, तो तीनों नाम ऐसे हैं, मतलब किन किन दशाओं में ये ऋण होते हैं। यदि देदार की मृत्यु हो जाए या दूसरी जगह चला जाए, ठीक, या दिवालिया हो जाए, इन सब चीजों को से अगर होता है तो हमें क्या होता है कि ऋण वसूल न होने की आशंका हो जाती है, तो ये ऋण को वसूल नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए, तो ये अशोध ऋण या प्राप्त ऋण या भूपत ऋण कहलाते हैं। तीनों नाम एक ही है, तो आप लिखेंगे जैसे मान लो अंतर में वे ऋण जिसका भुगतान देनदार की मृत्यु हो जाने पर, उसके दिवालिया हो जाने पर, या स्थान छोड़कर अन्य जगह पे चले जाने पर, या किसी अन्य किसी कारण से ऋण वसूल होने की कोई आशा नहीं रहती, ऐसे ऋणों को हम अशोध ऋण, भूपत ऋण या अप्राप्त ऋण कहते हैं। तो अब यहाँ तक हो गया, आपका हमने आपको पूंजी पर ब्याज भी बता दिया, पूंजी पर ब्याज क्या है, कैसे कर्ज होता है, पूंजी का ब्याज क्लियर डेबिट में आता है, पूंजी का ब्याज क्या होता है क्लियर के डेबिट में और लायबिलिटीज में प्लस हो जाता है, तत्पर भी दिया होता तो हम क्या करते हैं सीधा कहाँ दिखाते हैं रियल में, वो भी डेबिट पक्ष में। इसी तरीके आप ये काम करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसी लेसन के लघु बताएंगे और न्यूमेरिकल बताएंगे जो आप सभी लोगों को करना है। न्यूमेरिकल करने में कोई प्रश्न सिंपल एकदम, जैसे आप पहले सवाल लगाते थे व्यापार खाता एवं लाभान खाता लिखकर, वैसे लगाएंगे जैसे आप यहाँ पर विक्रय अर्थ वैसे लिखते थे वही लिखेंगे, पूरा प्रारूप वही रहेगा, बस आपको आदत को प्लस कर देना, प्रोडक्ट को माइनस कर देना, पीएल भी यही प्रारूप करेंगे, और जब बैलेंस शीट लगाएंगे आपकी चिट्ठा तो हम क्या करेंगे, इसके पहले हमने आपको बताया इसी वीडियो में बताया है कि जिस अमाउंट से जिस संपत्ति का यहाँ पे दिया होगा उसी अमाउंट से उसको माइनस करके यहाँ पे दिखा देंगे। तब तक लिए क्लास 10 आप लोग इस चैप्टर को कम्प्लीट करिएगा जहाँ तक हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसी चैप्टर के लघु और प्लस मिलकर कराएंगे। क्लास 10, थैंक यू क्लास।